हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टेस्टी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं बैंगन का भरता, जिसके लिए हमने लिए है 5 या 6 बैंगन और मैंने इसे अच्छी तरह से धो वॉश कर लिया है। बैंगन जब भी ले, आज का किचन टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, बैंगन जब भी ले वेट में हल्का होना चाहिए। ये वेट में जो हल्के होते हैं बैंगन वो अच्छे होते हैं। और इसे हम अब बैंगन भरता के लिए रेसिपी के लिए हमने लिए हैं 3 टमाटर बड़े साइज के, 2 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया, 6 से 8 कली लहसुन की और 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, हींग, नमक, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च। बैंगन को सबसे पहले हम बैंगन को भूनेंगे गैस पे। इसके लिए हम बैंगन पे ना सरसों तेल लगा लेते हैं, जिससे बैंगन के छिलके भुनने के बाद आसानी से उतर जाते हैं। ये आज का हमारा किचन टिप्स है। अब हमने गैस ऑन कर लिया है, अभी हम बैंगन को भुनने के लिए रखेंगे। अब मैं एक पैन चढ़ा दिया गैस पे और मैंने उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तब तक हम बैंगन को हम छील लेंगे। ये देखिए छिलके कितने आसानी से उतर रहे हैं। ये देख रहे हैं हमने सारे बैंगन को छील लिया है और ऊपर से इसकी डंटी को काट देंगे चाकू से। सबसे पहले हींग डालेंगे, हींग चटकने लग गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा लहसुन, बारीक कटे हरी मिर्च, प्याज लाल हो गए हैं। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बैंगन भुने हुए बैंगन को मसल लेंगे मसाला से। ये हमारा मसाला देखिए रेडी हो गया है, टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम बैंगन का मटेरियल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया है, देखिए पूरा अच्छा से मिक्स मसाले में मिक्स हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। हमने बॉल में बैंगन का भरता डाल दिया। अब इसे ऊपर से गार्निश कर दें धनिया से, बारीक कटा धनिया से गार्निश कर दें। अब इसे आप पराठे के साथ खाएं, लच्छेदार पराठे के साथ या चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और साथ में धनिया की चटनी ले लें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।